नमस्ते फ्रेंड्स, मोना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज जो हम वर्कआउट करेंगे, हमारा कुछ सिटिंग एक्सरसाइजेस रहेगा और कुछ हम वॉल का सपोर्ट लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे और कुछ मैं योगा का कुछ स्ट्रेचिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपने ये पूरा एक्सरसाइज देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करिएगा। जिससे क्या होगा कि जो बेहतर से बेहतर जो इस वीडियो से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं कि कैसे अपने आपको मीन्स फिट रखना है, कैसे अपना जो एक्स्ट्रा जो फैट है उसको रिड्यूस करना है, वो क्या होगा कि नहीं तो मिस हो जाएंगे। तो आपने ये जो है आपने वर्कआउट को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आज का एक्सरसाइज है, थोड़ा सा हो सकता है कि मींस हमारा थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा, थोड़ा सा हमने जहां जहां का जो एक्स्ट्रा फैट अभी तक आपका रिड्यूस नहीं हुआ है तो उस पर हम काम करेंगे। तो जरूर आपने ये वाला फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के अगर आप वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने बताया है कि कैसे अपने कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, कैसे अपने कहां कहां जहां जहां का जो एक्स्ट्रा फैट है मीन्स वेस्ट थाइज एंड हमारा आर्म्स का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कैसे रिड्यूस करना है। उस अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको जो है जो वेट रिड्यूस करना है उसमें काफी हेल्प करेगा। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज रहेगा, वॉल का सहारा लेते हुए हमने ये वाला एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा स्क्वाट बना ले। ठीक है, और ऐसे करते हुए आप थोड़ा सा, ठीक है, लेग को स्प्रेड करते हुए ऐसे पोजीशन में बैठ जाए, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें ऐसे करते हुए। ठीक है, और फिर ऐसे करना, आपने रोटेट करना मींस लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमारा जो आप काफी फील कर रहे होंगे कि हमारा जो बैलेंस है, हमारा पैर के ऊपर ज्यादा हमारा बैलेंस रहेगा और हमारा जहां ये थाइज है इसका जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो रिड्यूस होने में काफी हेल्प करेगा। अगर आप ये वाला एक्सरसाइज जो है आप पहले दिन से ही आपको पता चल जाएगा, बट रेगुलरली आप 21 डेज करते हैं तो अगर आप थाइस के फैट से बहुत परेशान हैं तो उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिलता है और हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है वो तो इम्प्रूव होता ही है, बल्कि हमारा जो स्पाइन का जो पोस्चर है वो भी उसको ठीक करने में काफी हेल्प करता है। तो ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, हाथ जो है बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रखते हुए सीधा, या तो आप फिंगर को इंटरलॉक कर लीजिए या फिर सीधा करते हुए नमस्कार की पोजिशन में मीन्स प्रेयर पोजिशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंटरलॉक कर रही हूँ, वन मेरे साथ करिए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। तो आपने देखा ये वाला जो हमारा जो वर्कआउट था, इससे क्या होगा कि हमारा थाइज में जो है एक तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा और थाइज का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होगा, हमारा जो वेस्ट है जो हम रोटेट कर रहे थे ऐसे ऐसे करते हुए वो भी हमारा जो है जो फैट जो है रिड्यूस होगा। ठीक है, अभी मैं फिर से स्क्वाट करके दिखाऊंगी, हमारा सेकंड एक्सरसाइज है पर हमारा ये थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, आपने ऐसे रहना है, ऐसे खड़े होना है, नीचे बैठना है, थाइस पे हमारे हाथ रहेंगे और हमने करना है। ठीक है, वन टू, जो मेरा पहला एक्सरसाइज था उसका क्या करना है, आपने 20-20 के आपने 3 रिपीटेशन करने हैं। ठीक है, 3 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। मतलब सेकेंड एक्सरसाइज भी वैसे ही रहेगा, 3 4 5, ये हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपने देखा कि हमने वॉल का सहारा लेते हुए स्क्वाट किया, तो हमारा एक तो अगर हमारा हिप्स का अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसको इंक्रीज करने में काफी हेल्प करता है और जो हमारा थाइस का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। बहुत अच्छा वर्कआउट है, अभी मैं एक और वर्कआउट करके दिखाऊंगी।
ठीक है, आपने इसी पोजिशन में रहना है, ठीक है, और अपने आप को ऐसा पीछे ले जाते हो कुछ देर तक के लिए, 2 सेकंड तक होल्ड रखे, 1 2, फिर वापस आ जाए। तो आपने ये वाला जो एक्सरसाइज है मेरे साथ आपने काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 more, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी देखा ये वाला एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है, इसके 20-20 के आपने 3 रिपीटेशंस करने हैं, 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा बैक जो स्पाइन है उसका जो है पोस्चर सही होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा बॉडी ऐसे हो जाता है चेयर पे बैठे बैठे, मैं ऐसा बहुत गंदा लगता है। तो अगर आप ये वाला जो प्रैक्टिस है अगर आप 21 दिन करते हैं, एक तो हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा हो जाएगा, मीन्स पोस्चर अच्छा बन जाएगा, और दूसरा हमारा जो बटक्स है, मीन्स कुछ होता है कि लोग होते हैं उनका शेप में नहीं होता है या कुछ का बहुत ज्यादा होता है, तो शेप में लेके आने के लिए सही शेप में ये वाला वर्कआउट बहुत अच्छा है, जो कि अगर आप करते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर जो कि रिजल्ट मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, अभी क्या करेंगे हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे वाला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, दोनों हम लेग से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप जितने पीछे लेके जा सकते हैं चले जाए ऐसे करते हुए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर आप ये वाला एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा कि आपको बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट मिलेंगे, हमारा जो टमी जो बाहर को निकला हुआ है उसको अंदर करने में ये बहुत हेल्प करता है, थाइज का एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारा आर्म्स का एक्स्ट्रा जो फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो इसका क्या करना है, मैंने तो 30 टाइम करके दिखाया, तो आपने क्या करना है, 1 टाइम में जितना हो सकता है 30 करिए, 40 करिए, कोशिश करिए कि 100 तक करिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 100 100 के 3 रिपीटेशंस करने हैं, 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक ब्रेक ले लेके इसको करिए, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हमारा वर्कआउट रहेगा, हम हाथ को जो है हमने लेफ्ट टू राइट आपने टच करना है मेरे साथ, ठीक है, 1 स्क्वायर करते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना अपने हाथ को दूर तक ले जा सकते हैं उतना ले जाने का कोशिश करें, और थोड़ा सा बॉडी को जो है ट्विस्ट करना है, ठीक है, अपने स्पाइन को, 7, 8, आपको काफी स्ट्रेच फील हो रहा होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हमने जो है ये वाला वर्कआउट जो है 30 टाइम किया, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इससे भी जो है हमारा होल बॉडी वर्कआउट होता है, आपको जहां जहां का जैसे फैट कम करना है, बॉडी को शेप में लेके आना है, बहुत हेल्प करता है, हमारा थाइज,
बाहर का निकला हुआ टमी, हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट का जो फैट है, हमारा आर्म्स का, तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। अगर आप ये वाला करते हैं तो आप देखिए 7 दिन के अंदर ही हमारा आपका जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो कब रिड्यूस हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपने ये कर रहे हैं इसके भी, आपने 30 30 30 के आपने 3 रिपीटेशंस कर रहे हैं, 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा वो मैं इसे फ्लोर पर लेते हुए करके दिखाऊंगी, जैसे हम भुजंगासन करते हैं। ठीक है, अपने ऐसे पोजिशन में बैठना है, हाथ को जो है आपने ऐसे रखना है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में, और फिर ऐसे करें। जिनको हो सकता वो करें, जिनको नहीं हो सकता वो बाकी के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा सा स्ट्रेच करें, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसे क्या होगा कि हमारा जो निकला हुआ जो एक्स्ट्रा फैट है वो तो रिड्यूस हो गई ही, हमारा जो आर्म स्ट्रेंथ, हमारा लेग्स लेग स्ट्रेंथ, लेग्स फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स है जो कि इस वर्कआउट को करने से हमारा बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और स्ट्रेचिंग करूंगी। वापिस चाइल्ड पोज में आते हुए अपनी बॉडी को थोड़ा रिलीज करें, रिलीफ दें। तो आपने देखा जो वर्कआउट था बहुत अच्छा मीन्स वर्कआउट है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो पीछे जो एक्स्ट्रा फैट आ जाता है यहाँ पे ब्रॉड लेग्स में, तो क्या होता है कि बहुत देखने में गंदा लगता है। जब भी हम कोई ड्रेस पहनते हैं तो यहाँ से ऊपर उठा हुआ स्किन दिखता है तो बहुत गंदा लगता है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है मीन्स आसन जो है भुजंगासन, इसको करने से है क्या है कि जहां जहां का एक्स्ट्रा फैट है वो तो रिड्यूस होगा ही, हमारा टमी जो है वो भी अंदर चला जाएगा। अगर आप ये रेगुलरली 21 दिन करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको पहले ही दिन से पता चल जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा आसन है, इससे काफी रिलैक्स मिलता है हमारी बॉडी को, और जो भी मीन्स पेन वगैरह है इससे ठीक होता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, आप इसको जरूर करिए। इसको क्या है कि आपने 2020 के आपने 3 रिपीटेशंस करने, 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करना है। जिनसे नहीं हो पा रहा है स्किप करें, बाकी के दूसरे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज रहेगा वैसे ही रहेगा, सभी के करने अपने वैसे ही रहना है। ठीक है, हमारा जो हाथ रहेगा ऐसे बिल्कुल आगे की तरफ करना है आपने, ऐसे करते हुए। और हमें कोशिश करना है कि हमारा जो एक हाथ है, ठीक है, ये हमारा जो है राइट लेग को टच करना है, फिर वापस आना है, फिर हमने लेफ्ट को हमने टच करना है। ठीक है, तो मेरे साथ आपने भी इसको करना है। बहुत अच्छा आसन है, इससे आपको क्या है कि जो हमने पहले आसन किया, अगर आपको लग रहा होगा कि आप थक रहे हैं, तो इस आसन से आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 more.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. रिलैक्स करो। आपने देखा, आपको काफी अच्छा लगा होगा। और दूसरा चीज ये कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो फैट है, मीन्स हमारा वेस्ट का फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है, हमारा जो कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, हमारा आर्म्स का एक्स्ट्रा फैट है, या फिर हमारा वेस्ट का एक्स्ट्रा फैट है, या हमारा टमी का एक्स्ट्रा जो फैट है, थाइस का एक्स्ट्रा जो फैट है, उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। तो ये वाला जो वर्कआउट है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हर वीडियो में कुछ नया नया मीन्स दिखाऊं आपको वीडियोस, कि आपको काफी अच्छा लगे। ठीक है, तो आपने मेरे वीडियोस देखते रहना है, स्किप नहीं करना है, और जिसमें मैं कि आने वाले जो वीडियोस रहेगा उसमें भी अच्छा अच्छा करके दिखाऊंगी। मेरा लास्ट एंड मीन्स सिंपल सा एक्सरसाइज है, जो कि आप अगर सुबह उठ रहे हैं, बेड में उठ रहे हैं, या सोने जा रहे हैं, या फिर आप कहीं पर भी बैठे हैं, अगर ये वाला वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो आपने ये वाला जरूर करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट का जो फैट है वो तो रिड्यूस हो गए बैठे बैठे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने नॉर्मल सुखासन पोजिशन में बैठना है, और एक हाथ को ऐसे करते हुए आपने ट्विस्ट करना है, उसे नीचे जितना आप झुका सकते हैं झुकाने की कोशिश करें, फिर वापस आ जाए। तो मेरे साथ आपने भी रिपीट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड से करना है, जिससे कि हमें दोनों साइड से हमें जो है रिजल्ट मिले। ठीक है, एक साइड से नहीं करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका भी आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो आपने इसको जो है 20-20 के आपने 3 रिपीटेशंस करने हैं, 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करना है। जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप बैठे हो, बेड पे बैठे हो, या सोने जा रहे हैं, प्लीज 5 मिनट ये वाला वर्कआउट जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो मेरा वर्कआउट है, तितली आसन, मीन्स आप इसको बटरफ्लाई आसन भी कह सकते हैं। तो ये वाला स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा है, इससे क्या होगा कि हमारा जो थाइस का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होगा, हमारा हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जरूर ये वाला एक्सरसाइज करें, हर कोई ये वाला एक्सरसाइज कर सकता है। तो आपने क्या करना है, दोनों हाथ जो है ऐसे अपने पैरों को ऐसे मीन्स क्रॉस करते हुए इंटरलॉक कर ले अपने फिंगर्स को, और अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, सामने की तरफ देखें। ठीक है, मेरे साथ आपने भी करना है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो आपने क्या करना है, हिप्स को थोड़ा थोड़ा बॉडी को बिल्कुल टाइट करें, पेट अंदर की तरफ खींचे, और फिर आप इसको ऐसे ऐसे बटरफ्लाई की तरह आप इसको फ्लाई करें। काउंट करते हुए मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 more, 10, 9, 8, फास्ट करें, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे इसका, मैं करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा प्रेस करें अपने थाइस को, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है ये वाला आसन, हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी हिप्स को लचीला बनाता है। अगर आपको पेन वगैरह हो रहा हो तो क्या है कि ये वाला जो एक्सरसाइज है बहुत रिलीफ देता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है, पर अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका पेन भी कहाँ भाग जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने बॉडी को नीचे की तरफ झुकाएं, प्रेस करें दोनों हाथों से, नीचे लेके आए थोड़ा थोड़ा, गहरा लंबा सांस लेते हुए, और कोशिश करें कि अपना जो नोज है उसको फ्लोर के साथ टच करवाएं।
अच्छा फील करें। फाइव सेकेंड तक होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4, 5। काफी अच्छा एक्सरसाइज है जो कि यार किसी को करना चाहिए। ये तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे, अगर आप फ्लोर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, आराम से ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। थोड़ा सा वापस आते हुए इसको मिलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आज का जितना भी वर्कआउट था आपको कैसा लगा है, प्लीज आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, जिससे मुझे भी पता चले कि कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे जो है मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें हम। तो आपने क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए आप एक्सरसाइज आप डेली करते रहिए, ठीक है, और छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, हर रोज करना है। एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, थक जा रहे हैं। तो आपने कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, आपने स्किप नहीं करना है। तो क्या होगा कि हमारा जो हम करते आ रहे हैं, आपको 2 दिन अच्छा रिजल्ट मिला, 3रे दिन फिर से वैसा हो गया, तो वैसा नहीं करना। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करिए, 21 दिन का चैलेंज रखें, 21 दिन के बाद आपको खुद ही हैबिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हर बार बोलती रहती हूँ कि आप करिए करिए करिए, तो आपने वो करना है, छोड़ना नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल के साथ बने रहना है, वीडियोस को जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है, और अच्छे से आपने एक्सरसाइजेस करनी है, और आपने हेल्दी फूड लेना है। मैं हर बार कहती हूँ बाहर का फूड जितना हो सके अवॉइड करिए, और 3 से 4 लीटर आपने पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाना है, और अपने डाइट में हो सके तो हरी पत्तेदार जो सब्जी है उनको इंक्लूड करें, दाल खाएं, और जितना हो सके स्पाइसी जो है चीजें उनको दूर रखें, मीठा थोड़ा कम खाएं बट थोड़ा कम खाएं, चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए, कॉफी बिल्कुल मत पीजिए, और जो ज्यादा तेल वाली चीजें हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप खाइए, फिर ऑयल में आप खा सकते हैं, बहुत बेनिफिट देगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।